स्वामी नारायण साक्षादक्षर पुरुषोत्तमः सर्वेभ्यः परमां शान्तिम् आनन्दं सुखमर्पयेत्। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। ॐ अक्षरमहं पुरुषोत्तमदासोऽस्मि। शिष्यस्ते हम। अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण की शिष्यता स्वीकारी। अर्जुन की यह शिष्यता सही अर्थ में शिष्यता थी। यह शिष्यता विनम्रता से सुशोभित थी। इस शिष्यता में निष्कपट भाव था, समर्पण था, विश्वास था। सब कुछ, जो भी कुछ चाहिए शिष्यता में, सब कुछ था। लेकिन जब अर्जुन कहता है शिष्यस्ते हम, कहता है शिष्य है, फिर भी कहता है मैं शिष्य हूं। श्रीमद् भगवद गीता हमें यहां सोचने के लिए एक अवसर देती है। क्या अर्जुन शिष्य नहीं था तो कहना पड़ा कि मैं आपका शिष्य हूं? शिष्य तो था ही, लेकिन आज जो अर्जुन कह रहा है शिष्यस्ते हम, यह बात कुछ अलग है। आज अर्जुन को आवश्यकता है, आज अर्जुन उलझन में है, दुख का अनुभव कर रहा है और मुक्ति चाहता है। एक मुमुक्षु भाव से कहता है शिष्यस्ते हम। तो शिष्य तो था ही, भगवान श्री कृष्ण उसके मित्र भी थे, सखा भाव था दोनों को परस्पर, और मित्र की तरह वार्तालाप कर रहे थे। दो मित्र जैसे फिरते हैं, मिलते हैं, बात करते हैं, उसी तरह एक मनुष्य सहज क्रिया करते थे। फिर भी शिष्यता की आवश्यकता है। भगवान के साथ मित्रता हो इसका मतलब यह नहीं कि शिष्य भाव चला जाता है। शिष्य भाव आवश्यक है। भगवान इस धरातल पर मनुष्य रूप से अवतीर्ण होते हैं, कृपा कर हमारे साथ हम जैसे बनकर रहते हैं, परम स्नेह करते हैं, मित्र भाव दिखाते हैं। फिर भी शिष्यस्ते हम का मंत्र जाप हमें करना पड़ता है। जब भी हम हमारे गुरुदेव को देखें तो एक बार कहना चाहिए दिन में शिष्यस्ते हम, मैं आपका शिष्य हूं, मैं आपका शिष्य हूं। इससे लाभ हमें होता है, हमारी शिष्यता परिशुद्ध होती है। देखिए, अर्जुन ने स्पष्ट रूप से कहा मैं आपका शिष्य हूं, कहा, केवल मन का विचार भी नहीं है, भगवान के समक्ष बोलता है। तो बहुत अद्भुत बातें हमें भगवद गीता में दिखती हैं। अब शिष्यस्ते हम कहने के बाद और कुछ अर्जुन कहता है आठवें श्लोक में, दूसरे अध्याय के, जहां अर्जुन की शिष्यता में एक अनन्यता भी दिखती है। अर्जुन ने कहा, नहीं प्रपश्यामि ममापनुद्यात् यत् शोकम् उच्छोषणम् इन्द्रियाणाम् अवाप्य भूमौ असपत्नमुरुद्धम् राज्यम् सुराणामपि चाधिपत्यम्। नहीं प्रपश्यामि, हे भगवान श्री कृष्ण, आपके सिवा मेरा जो यह शोक, मेरा जो यह दुख है, उसका निराकरण कोई कर सके ऐसा दूसरा मैं कोई देखता ही नहीं हूं। आप ही है मेरे लिए, मेरे शोक को विनष्ट करने वाले आप ही हैं, मुझे आनंद और सुख देने वाले आप ही हैं। नहीं प्रपश्यामि, मैं और किसी को देखता ही नहीं। अनन्य शरणागति।
अर्जुन की यह विशेषता है, शरणागत है, अब अनन्य शरणागत है। इसके पहले भी अर्जुन ने कहा ही था, पृच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ चेता यत् श्रेयस्याद् निश्चितं ब्रूहितं मे। हम भगवान की शरण में तो जाते हैं, गुरु की शरण में भी जाते हैं, गीता हमें सिखाती है शरणागति में अनन्यता होनी चाहिए। अनन्यता तभी प्रकटित होती है जब विश्वास हो, भगवान में विश्वास, परमात्मा श्रद्धा, गुरु में विश्वास, गुरु श्रद्धा, परम श्रद्धा चाहिए, परम विश्वास चाहिए। यह विश्वास कोई ऐसी चीज नहीं केवल बुद्धिहीन लोगों के लिए ये बात होती है, हाँ भगवान की शरण तो जिन लोगों को एक आश्वासन चाहिए, जो लोग पतित हैं ऐसे लोगों के लिए है, ऐसा नहीं। जो सच्चे अर्थ में ज्ञानी है, जिसे पता है प्रगति कैसे होती है, जिसे अवगत है कि शांति का राजमार्ग क्या है, ज्ञान प्राप्ति कैसे होती है, ऐसे ज्ञानी जन, ऐसे दक्ष प्रबुद्ध प्राज्ञ व्यक्ति ही शिष्यता का स्वीकार कर सकते हैं। यह कोई लाचारी नहीं, यह अज्ञानता की कोई बात नहीं, यह तो ज्ञान का वैभव है शिष्यता। अर्जुन कहते हैं, नहीं प्रपश्यामि, मैं आपके सिवा और किसी को देखता नहीं हूं। जब आश्रय हम लेते हैं भगवान का, तो भगवान मेरे तारक हैं, सैव तारको मम, नूनम अवश्यम मेरे दुख विनष्ट होंगे ही, नूनम नंक्षंति में कष्टानि दुखानि, मेरे कष्ट मेरे दुख अवश्य नष्ट होंगे, क्यों, मुझे आश्रय भगवान का मिला है। तो अर्जुन ने यहां पर बहुत अच्छी बात की। अब देखिए एक फिर से क्यों अर्जुन हमारे लिए आदर्श है। भगवान की शरण में हम जाते हैं, हमारी श्रद्धा भी है, परम श्रद्धा है, आश्रय भी अद्भुत है, परमात्मा का आश्रय भगवान श्री कृष्ण। फिर भी जैसे कोई रोगी अस्पताल में जाता है, हॉस्पिटल में जाता है, डॉक्टर को मिलता भी है, तुरंत ही उसका रोग दूर नहीं होता है, लेकिन एक अच्छी जगह पर, सच्ची जगह पर पहुंच गया है। उसी तरह अर्जुन यहां इतना शरणागति लेने के बाद क्या कहा, संजय धृतराष्ट्र जी को कहते हैं, संजय उवाच, संजय ने कहा, एवं उक्त्वा ऋषिकेशम गुड़ाकेश परंतप न योत्से इति गोविंदम उक्त्वा तूष्णीं बभूवः। ऋषिकेश भगवान श्री कृष्ण को इतना कहकर अर्जुन ने और कुछ कहा, न योत्से, मैं युद्ध करना नहीं चाहता हूं। यह दुराग्रह नहीं था, न योत्से दुराग्रह नहीं था, मैं युद्ध नहीं ही करूंगा, ऐसे मनमानी बात नहीं थी, लेकिन एक निष्कपट भाव। डॉक्टर के पास जो कुछ होता है बताना पड़ता है, तब जाकर कोई भी डॉक्टर है वह ठीक ढंग से हमें औषधि दे सकता है, और ठीक ढंग से हमें धीरे 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 निरोगी बना सकता है। ऐसे न योत्से जो मूल भाव है, अभी तक जो कुछ भी कहा उसका निष्कर्ष इतने वाक्य में आया, न योत्से, मैं युद्ध करना नहीं चाहता हूं, अर्थात जो कर्तव्य मुझे दिया गया है, जो मेरा दायित्व है, जो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपने मुझे काम सौंपा है, लेकिन मेरा मन उसको स्वीकार नहीं कर रहा है, बस यह मेरा अंतकरण है, यह मेरी परिस्थिति है, वर्तमान परिस्थिति। अर्जुन एक निष्कपट भाव से भगवान के समक्ष अपने आप को उद्घाटित कर देता है। जो सच्चा शिष्य है गुरु के समक्ष निसंकोच निर्भयता से अपने आप को प्रकट कर सकता है,
यही संबंध की विशेषता होती है। गुरु शिष्य संबंध की विशेषता यही है। शिष्य अपने आप को निसंकोच गुरु के सामने प्रकट कर सके जब ऐसे योग्य गुरु मिले हो। अर्जुन तो परम भाग्यशाली हैं, साक्षात भगवान उनके सामने है, वही उनके गुरु है। उनके सामने कहते हैं, न योत्से, यह मेरा विचार है भगवान श्री कृष्ण, मेरा मन कहता है युद्ध नहीं करना है, आप मुझे कहते हैं युद्ध करना है, लेकिन मैं चाहता हूं न योत्से। इत्युक्त्वा, इतना कहकर तूष्णिम बभुवः, फिर उन्होंने बोलना बंद किया, अपनी सब बात बता दी। अब आप मुझे जो भी कहना चाहते हैं आप मुझे कहिए। फिर भगवान श्री कृष्ण ने जो कहा, उसके पहले और चीज हम एक देखते हैं इस श्लोक में। यहां भगवान श्री कृष्ण के लिए जो शब्द प्रयोग है, ऋषिकेशम, ऋषिक शब्द का मतलब होता है इंद्रियाणी, जो ज्ञानेन्द्रिय है, कर्मेंद्रिय है, अंतकरण है, उसको इंद्रिया ऋषिक कहते हैं। ऋषिक ईश, ऐसे दो शब्द है, ऋषिकाणाम ईशः, जो इंद्रियों के नियामक, ईशः अर्थात नियामक प्रशासक हैं, जिन्होंने अपने इंद्रियों को वश में रखा है, संयम में रखा है, स्वयं परमात्मा है। तो भगवान श्री कृष्ण का एक नाम ऋषिकेशम, ऋषिकाणाम ईशः तम। भगवत गीता हमें बताती है यहां कि भगवान ऋषिकेश है, अर्थात उनको परिस्थिति की कोई असर नहीं। अर्जुन भी ऐसे ही है। दूसरा शब्द प्रयोग यहां अर्जुन के लिए किया गया, गुड़ाकेशः, गुड़ाकेशः। यहां पर भी दो शब्द हैं, गुड़ाका और ईश। गुड़ाका इसका मतलब होता है निद्रा, सो जाना, उस पर आधिपत्य, निद्रा पर आधिपत्य। निद्रा पर आधिपत्य का मतलब क्या है? जब चाहे तब सो सकता है, जब चाहे तब जाग सकता है। बहुत मुश्किल बातें हैं। देखिए, ज्यादातर लोग जब चाहे तब जाग ही नहीं सकते हैं। प्रतिदिन प्रातः काल यह अनुभव, देरी हो ही जाती है। और कुछ लोग सो नहीं सकते हैं। हम जाते हैं बिस्तर में, बिस्तर में जाने से नींद नहीं आती। निद्राजित वही हो सकता है जो निश्चिंत हो, निद्राजित वही हो सकता है जो निशंक हो, कृतकृत्य हो, पूर्ण काम हो। निद्राजित, आज तो हम जो सो रहे हैं और जाग रहे हैं भगवान की कृपा से है, निद्राजित नहीं है। कुछ दुख आता है तो नींद चली जाती है, आलस प्रमाद होता है तो प्रातःकाल उठ भी नहीं सकते हैं। अर्जुन गुड़ाकेशः, निद्रा जीत है। क्यों ऐसा कहा? परम विश्वास है भगवान श्री कृष्ण में। ठीक है, अभी थोड़ा सा प्रश्न है, लेकिन युद्ध के समय में भी वो सो रहा था। महाभारत में एक प्रसंग है, युद्ध के अवसर में भी वो सो रहा था। और लोगों को प्रश्न हो गया, इतना बड़ा दायित्व है, इतना बड़ा युद्ध चल रहा है और ऐसे समय में अर्जुन सो रहा है। किसी ने पूछा, अर्जुन आप क्यों सो रहे हैं? अर्जुन का अद्भुत उत्तर है, भगवान श्री कृष्ण जागते हैं इसलिए मैं सो रहा हूं। वो आलस या प्रमाद नहीं था, एक उत्कृष्ट शरणागति, भगवान का आश्रय और उसमें विश्वास का यह प्रतीक था। इसलिए अर्जुन को गुड़ाकेशः यहां कहा गया। अब क्या कहते हैं भगवान श्री कृष्ण? तम उवाच ऋषिकेशः प्रहसन्निव भारत सेनयोरुभयोर मध्ये विषीदन्तम् इदं वचः। दूसरे अध्याय का यह 10वां श्लोक है। आपके पास श्रीमद् भगवद गीता है, हम यहां जो भी चिंतन करते हैं उसको आप सुनिए और फिर स्वयं श्रीमद् भगवद गीता लेकर उसके मूल वचन को पढ़िए। संस्कृत में है, उसका ट्रांसलेशन पढ़िए, चाहे आपको हिंदी में हो तो हिंदी, अंग्रेजी, मराठी, जिस भी भाषा को आप ठीक से जानते हैं उसका भाषांतर देखिए और अपने आप एक विचार कीजिए
चिंतन कीजिए, शक्य हो तो हमारे अपने कुटुंबीजनों के साथ विमर्श कीजिए, बहुत आनंद आएगा, बहुत जानने मिलेगा और जीवन में परिवर्तन होगा, हमें एक अच्छा रास्ता भी मिलेगा। दूसरे अध्याय का 10वां श्लोक, तम उवाच ऋषिकेशः प्रहसन्निव भारत। तम अर्जुन, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, लेकिन किस रीति से कहते हैं, किस ढंग से कहते हैं, यह इस श्लोक में कहा गया। और जब कहते हैं तब अर्जुन की परिस्थिति क्या है, यह इस श्लोक में कहा गया। पूर्वार्ध में, श्लोक के आरंभ में भगवान श्री कृष्ण की परिस्थिति और श्लोक के उत्तरार्ध में अर्जुन की परिस्थिति क्या है। श्री कृष्ण भगवान की परिस्थिति देखिए, तम उवाच ऋषिकेशः प्रहसन्निव भारत। अर्जुन की सब बात भगवान श्री कृष्ण ने सुन ली है और जब बोलना शुरू करते हैं, तम उवाच बोल रहे हैं प्रहसन इव, मुस्कुराते हुए भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं। उसी वक्त अर्जुन की परिस्थिति क्या है, उत्तरार्ध देखिए, सेनयो हो उभयोर मध्ये विषीदंतम। दो सेना के बीच में, सेनयो हो उभयो हो मध्ये, उसके मध्य में विषीदंतम, दो सेना के मध्य में एक व्यक्ति विषाद कर रहा है। विषीदंतम वर्तमान कृदंत है, ये वर्तमान कृदंत अर्थात वर्तमान परिस्थिति है। एक विषीदंतम है, एक प्रहसन है। देखिए बाह्य परिस्थिति दोनों के लिए एक है, दोनों के लिए एक है, युद्ध दोनों के लिए है, स्वजन दोनों के आए हैं, लेकिन एक प्रहसन निवा है और एक विषीदंतम है। ये दो परिस्थितियां हमें दिखाती हैं, एक ही रथ में दोनों है, स्थल भी एक हो गया, कितने पास पास भगवान श्री कृष्ण रथ चलाते हैं, अर्जुन बैठे हैं एक ही रथ में, कोई अंतर नहीं, एक ही रथ में, एक ही प्रसंग में, बाह्य परिस्थिति संपूर्ण समान, संपूर्ण रीति से समान। जितने संबंधी अर्जुन के हैं उतने ही संबंधी भगवान श्री कृष्ण के आए हैं, सब कुछ ठीक चल रहा है। गीता हमें यहां यह सिखाती है कि कुछ लोग ऐसे रहते हैं, परिस्थिति बाह्य परिस्थिति समान होने पर भी कुछ लोग प्रहसन्निव की स्थिति में होते हैं और कुछ लोग विषीदंतम की स्थिति में रहते हैं। कुछ लोग मुस्कुराते हैं और कुछ लोग रोते हैं। देखिए आपके आसपास ऐसे लोग मिलेंगे जो विपरीत परिस्थिति में भी प्रहसन्निव एक स्वीकार कर लेते हैं। एडजस्टमेंट बोलते हैं, परिस्थिति के साथ अनुकूल होना, स्वीकार कर लेना, हाँ ये तो होना ही है। प्रहसन्निव सामान्य बात नहीं है, भगवान स्वयं है यहां, लेकिन एक जीवन दिखाते हैं हमें, एक मार्गदर्शन मिलता है। उसी घटना में विषीदंतम, एक विषाद करता है, समझो किसी को कोई रोग आ गया, तो हमें दो प्रकार के अनुभव होते हैं। कोई एक व्यक्ति जब रोग प्राप्त होता है तो रोने लगता है, बुखार आ गई, रोने लगते हैं, मैं मर जाऊंगा। अरे भाई केवल बुखार आया है आपको, कहां हार्ट अटैक आया है, फिर भी अपना दुख इतना बड़ा लगता है तो विषाद करने लगते हैं, रोने लगते हैं, चिल्लाने लगते हैं और कंप्लेन करने लगते हैं, मेरा कोई ध्यान रखते नहीं है, मुझे ठीक से दवाइयां मिलती नहीं है, डॉक्टर्स हमें कुछ बताते नहीं है, ऐसे भी लोग होते हैं। और आप समांतर देख सकेंगे कुछ लोग भयंकर बीमारी रहती है, जानलेवा बीमारी होती है, उसको ये जानते भी हैं, सब जो कैंसर है उसको जानते, हमने देखे ऐसे भक्त हमारी BAPS स्वामीनारायण संस्था में, अनेक भक्तों को और संतों को हमने देखा है जिनके जीवन में दुख के प्रसंग होते हैं,
कैंसर जैसे रोग होते हैं, हार्ट अटैक आता है, उसमें भी प्रहसन भी हुआ, आनंदित, भगवान की इच्छा से जो आया ठीक है, देह है तो रोग तो आना ही है, यह भी एक परम सिद्धांत है। हाँ, इसका मतलब यह नहीं कि दवाइयां नहीं करनी चाहिए, डॉक्टर के पास नहीं जाना चाहिए, सब कुछ करना चाहिए, क्योंकि यही देह तो, यह जो हमें शरीर मिला है वही तो मुक्ति का साधन है। अतः शरीर को तो ठीक ढंग से रखना है, लेकिन यदि कदाचित कोई दुख आ जाए, रोग आ जाए, कोई मुश्किल आ जाए, कौटुंबिक कोई प्रश्न हो जाए, किसी की अचानक मृत्यु हो जाए, तो परिस्थिति का स्वीकार कर ले। एक ही रथ में भगवान श्री कृष्ण प्रहसन नीवा और विषीदंतम। भगवान श्री कृष्ण क्या चाहते हैं? अर्जुन भी विषीदंतम में से प्रहसन्नीव हो जाए, यह स्थिति वरदान देना चाहते हैं, एक परिवर्तन करना चाहते हैं। भगवान की कृपा से श्रीमद् भगवद गीता के यह शब्द हमें संसार में बहुत से लोगों में दिखाई देते हैं। जैसे मैंने कहा, बहुत से लोगों में प्रहसन्नीव की स्थिति दिखाई देती है, विषीदंतम का भी अनुभव होता है अपने आप का जब विचार करते हैं। लेकिन यहाँ अवश्य मैं याद करना चाहता हूँ हमारे गुरुदेव परम पूज्य प्रमुख स्वामी जी महाराज को, और आपको भी, ऐसे महान पुरुष जो भी मिले हैं, ऐसे पवित्र पुरुष, उनकी स्मृति कीजिए, उनके जीवन को याद कीजिए, जिनको जो भी मिले हैं, मैं प्रमुख स्वामी जी की बात करता हूँ। उनके जीवन में जैसे बाह्य परिस्थिति सबके लिए समान होती है, एक बार किसी ने कहा, कहीं पढ़ा था कि अब अगले वर्ष पूरे संसार का प्रलय होने वाला है, ऐसा किसी ने बताया होगा, किसी ज्योतिषी ने बताया था। तो इस अंधविश्वासों को परम सत्य लगा यह वाक्य, बहुत साल पहले की बात है। तो वह भक्त प्रमुख स्वामी जी को मिलने आया और उन्होंने गुरु जी को कहा, गुरु जी अगले वर्ष तो प्रलय हो जाएगा, हमारा क्या होगा। वह दुखी हो गया, विषीदंत। प्रमुख स्वामी जी ने सुना, ठीक है चलो मान लेते हैं अगले साल वर्ष प्रलय हो जाएगा, तो क्या चिंता है, जो सबका होगा वह हमारा होगा, रोने से क्या मतलब। प्रमुख स्वामी जी हंसने लगे, प्रहसन्नीवा। देखिए, महापुरुषों से हमें सीखना क्या है, अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण से सीखना क्या है, विपरीत परिस्थिति में प्रहसन का भाव सीखना है। अनुभव के आधार पर इसलिए बात करना चाहता हूं कि भगवद गीता के शब्द केवल शब्द नहीं, भारतवर्ष की महान आत्माओं में यह सब कुछ चरितार्थ हुआ है, और ऐसे अनेक प्रसंग है। प्रमुख स्वामी जी को तो हमने बहुत निकट से देखा था, उनके जीवन में परिस्थिति बाह्य विकट परिस्थितियों में प्रहसन नीवा, और भक्तों को भी ये सिखाते थे, भक्तों को उपदेश देते थे, देखो गीता में यह सब कुछ कहा गया है, गीता के वचन सुनाते थे। तो श्रीमद् भगवद गीता यहां प्रहसन नीवा विषीदंतम इव, इन दो शब्दों से एक जीवन का मैनेजमेंट सिखाती है। बाह्य परिस्थिति हो तब भगवान श्री कृष्ण का मुख याद करो, प्रहसन इव, मुस्कुराते रहो, मुस्कुराना सीखो, शांति रखो, चिंता मत करो, प्रहसन इव भारत। अब विषीदंतम अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण ने जो जो मुस्कुराते हुए कहा, रोमांचक बातें हैं, अगले व्याख्यान में करेंगे। ओम शांति ही, शांति ही, शांति ही।